हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, वांट मल्टी बैगर बाय दिस शेयर। जी हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस शेयर को बाय करने के लिए, जो कि आपको आने वाले दिनों में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ये शेयर जो है ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करता है। ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके पास इतनी ऑर्डर है कि 2 साल तक भी इनको फुर्सत नहीं है। और इस ऑर्डर बुक के कारण इनका जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में ज़बरदस्त रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्या है रीज़न, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस मल्टीबैगर शेयर के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ वो ऑटो एंसिलरी है, ऑटो पर कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का काम करती है। मैं ओलेट्रा ग्रीनटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबसे पहले बता दूँ। ये दूसरी कंपनी है जिसका अभी भी पी जो है ओलेट्रा ग्रीनटेक से कम है। और ये कंपनी को भी ऑर्डर मिली है 5000 बसेस की, 5000 बसेस की ऑर्डर मिली है, जो कि ओलेट्रा ग्रीनटेक को भी मिली थी 5000 बसेस की। और इस कंपनी को भी उसके बाद 3 दिन बाद ये ऑर्डर मिली हुई है। और फ्राइडे को ये न्यूज़ के कारण ये शेयर 11% चढ़ा था, 11% चढ़ा था और 52-week हाई को टच किया था। और ये फिर से शेयर ऊपर जाने की तैयारी में है। आप इस शेयर को अभी भी बाय कर सकते हैं या पार्ट्स में बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कंपनी के पास पहले ही 5000 बसेस के ऑर्डर पेंडिंग थी और उसमें ऐड हो गई है और 10,000 बसेस के ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी के पास पेंडिंग है। कंपनी ने जो अभी इंटरव्यू सीएनबीसी पे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो, जिसपे कंपनी के एमडी ने कहा है कि हमारा जो रेवेन्यू था 2022-23 में वो था 3800 करोड़ का, 3800 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि 2024 में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 7000 करोड़ का रेवेन्यू, 7000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट डबल का रेवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। और ये जो 5000 बसेस के ऑर्डर कंपनी को मिली है वो 1 साल में कंपनी को सप्लाई करनी है, जो कि अलग अलग स्टेट से कंपनी को मिली हुई है, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी, फॉर्चून 500 कंपनी से भी अपने एम्प्लॉयज़ को ले जाने लाने के लिए, स्कूल से भी इनको बड़ी बड़ी ऑर्डर मिली हुई है, तो इनके ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। और एक पॉजिटिव बात मुझे इस कंपनी के बारे में जो लगती है वो है, इनका डिपेंडेंसी ओनली इलेक्ट्रिक बसेस पर नहीं है, तो ये हीट मेटिंग कंपोनेंट्स और अलग अदर कंपोनेंट्स भी अलग अलग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनके लिए बनाती है, जिसके कारण इनका डिपेंडेंसी एक ही सेक्टर पर नहीं है। इनका 50% रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रिक बसेस से और 50% का रेवेन्यू आता है अलग अदर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट पार्ट्स के डिवीजन से, जिसके कारण ये कंपनी काफ़ी सेफ नज़र आती है। कंपनी का नाम है JBM ऑटो लिमिटेड, जिनको 5000 बसेस के ऑर्डर मिली है। और इंटरव्यू में इनके MD ने कहा है कि ये जो एक बस की कीमत हम लोग अगर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पकड़ते हैं, तो 1.5 करोड़ भी पकड़ते हैं तो 7500 करोड़ की ऑर्डर इनको मिली है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी ऑर्डर इनके पास अवेलेबल है, जिसके कारण आने वाले दिनों में ये शेयर के क्वार्टर रिजल्ट भी ज़बरदस्त आएंगे और शेयर लगातार ऊपर ही ऊपर जाएगा। इसका फ्राइडे का जो रेट था 1467 रुपीज़ था, जबकि 52-week हाई था 1548 रुपीज़, जो कि 52-week हाई के आसपास ही है। ब्रेकआउट करने की तैयारी में ये शेयर है। इसका पी है 139 का। अगर आप ओलेट्रा ग्रीनटेक के पी से इसको कंपेयर करें तो उसका ओलेट्रा ग्रीनटेक का पी अभी चल रहा है 175 का, जबकि JBM ऑटो का पी है अभी 139 का, तो अभी कम पी पे शेयर अभी भी मिल रहा है। EPS 11 का है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, 68% का है। FII का होल्डिंग है 1.70%, DII का होल्डिंग है 0.5%। कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे आ रहे हैं और क्वार्टर वन का रिजल्ट भी शानदार आने की उम्मीद है, जिसके कारण शेयर और भी ऊपर जा सकता है। कंपनी ने 800 करोड़ का कैपेक्स अभी ही इन्वेस्ट किया है और कंपनी ने कहा है कि
कि आने वाले एक महीने में इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का वो हो जाएगा ट्रिपल। मतलब अभी ये जो कंपनी है आने वाले क्वार्टर्स में ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाली है, क्वार्टर वन का रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। तो आप JBM ऑटो को लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा, मल्टीबैगर रिटर्न चाहते होंगे तो इसमें कंसिडर कर सकते हो। अभी 1500 के आसपास मिल रहा है JBM ऑटो का शेयर, जो कि आने वाले एक साल में डबल से ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। और इलेक्ट्रिक बसेस का सभी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी इलेक्ट्रिक बसेस लगातार बाय कर रही है। और दो ही स्ट्रांग कंटेंडर है इसके अंदर मार्केट में, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और JBM ऑटो। उसके अलावा भी बाकी कंपनियां भी है, बट ये कंपनियां दोनों काफ़ी लीड पे चल रही है। तो इसलिए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के अलावा आप JBM ऑटो को भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि अभी सस्ते पी पर मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, और ऑर्डर बुक भी करीब करीब उतनी ही है। प्लस ये कंपनी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी बनाती है, तो इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस पर नहीं है। और ये ऑटो कंपोनेंट सप्लाई जो करती है महिंद्रा टाटा मारुति ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों को करती है, जिसके कारण ये शेयर भी आने वाले दिनों में शानदार रिटर्न दे सकता है। तो मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हो या आने वाले दिनों में ब्रेकआउट चाहते हो, ब्रेकआउट देके शेयर अगर अभी भागा तो 2000 रुपीज़ भी शॉर्ट टर्म में ये दिखा सकता है, जो कि अभी मिल रहा है 1467 रुपीज़ में, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में 2000 रुपीज़ तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका RSI अभी भी 70 का है और इसका मैक्सिमम RSI जाता है 92 का, जबकि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का RSI अभी 90 पर चल रहा है। तो अभी ये शेयर ऊपर जाने की तैयारी में है JBM ऑटो का, जो कि सिर्फ 70 के RSI पर मिल रहा है। तो 2000 रुपीज़ तक का लेवल भी ये शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि JBM ऑटो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी मल्टीबैगर रिटर्न के लिए आप इस शेयर को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।